खरगोन उपद्रव के बाद खंडवा में अब मुस्लिम क्रिकेटरों के खेलने पर रोक लगाने का मामला सामने आया है। टूर्नामेंट भाजपा विधायक करवा रहे हैं। विधायक पर मुस्लिम क्रिकेटरों ने भेदभाव के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में भाजपा विधायक देवेंद्र वर्मा द्वारा एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुस्लिम खिलाड़ियों के खेलने पर रोक लगाए जाने के बाद ये टूर्नामेंट चर्चा में आ गया है। कोतवाली पुलिस थाने में इस फैसले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें 20 अप्रैल से शुरू हुए इस टेनिस बॉल क्रिकेट टीम टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही है। एक आयोजक दिनेश पालीवाल ने बताया कि कुछ टीमों में मुसलमान खिलाड़ी हैं। हमने इन टीमों से कहा है कि उन्हें मुस्लिम खिलाड़ियों के बिना ही खेलना होगा। उन्होंने कहा कि किसी धर्म विशेष के प्रति हमारी कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमान खिलाड़ियों ने 4 साल पहले टूर्नामेंट के दौरान झगड़ा किया था। उन्होंने मैच जीतने के लिए कई खिलाड़ियों को पीट दिया था। इसके बाद 4 साल तक मैच का आयोजन नहीं हो सका, इसलिए इस साल तय किया गया है कि टूर्नामेंट में शांति बनाए रखने के लिए मुस्लिम खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सोमवार को कुछ मुसलमानों ने कोतवाली पुलिस थाने में इस फैसले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि इस फैसले से दोनों पक्षों के बीच धार्मिक आधार पर दूरी बढ़ेगी। एक स्थानीय क्रिकेटर और वकील सोहेल तनवीर ने कहा कि हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये पहली बार है कि मुसलमान खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित किया गया है। तनवीर ने कहा कि मध्य प्रदेश में हालिया सांप्रदायिक दंगों के बाद इस तरह का फैसला हमारे लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। इसके साथ ही इससे हमारे भविष्य पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोजक धर्म के आधार पर खिलाड़ियों के बीच तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। एक अन्य खिलाड़ी मोहम्मद इकरार का कहना है कि अब अन्य स्थानीय क्रिकेट क्लब भी हमें नहीं खेलने देंगे। स्थानीय विधायक द्वारा हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट के आयोजकों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और टूर्नामेंट को तत्काल रद्द कर दिया जाना चाहिए। ये बताओ, आज आप ज्ञापन देने आए, क्या विषय को लेकर? हम भैया शहर खंडवा क्रिकेट के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, सिटी कोतवाली खंडवा। और इससे पूर्व हमने अभी कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को भी ज्ञापन दे चुका। और ये ज्ञापन है, हमारे खंडवा शहर में आयोजित एक प्रतियोगिता है जिसे विधायक कप से संबोधित किया जा रहा है, जो विधायक कप विधायक महोदय के तत्वाधान में चल रहा है। और ये जिमखाना खंडवा ग्राउंड जो है, लेदर ग्राउंड है हमारा, उस पर चल रहा है। उसमें एक इन्होंने विचित्र बात रखी है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी मुस्लिम टीम और मुस्लिम खिलाड़ियों की एंट्री नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस महान खेल में इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो क्रिकेट का भविष्य आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का और मध्य प्रदेश और खंडवा जिले का किधर और जाएगा, किस ओर जाएगा, कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर हमारे शहर के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो खंडवा को प्रेजेंट करते हैं आने वाले आजू बाजू के हमारे स्टेटों में और हमारे अन्य जिलों में, तो हमारा ये घोर विरोध है हम सभी खिलाड़ियों का। हमारे पास जितने हम लोग भाई लोग खड़े हैं, सभी अलग अलग टीमों के कप्तान हैं और खिलाड़ी हैं, और हम सब रजिस्टर्ड टीमों से बिलोंग करते हैं, जो कि जिमखाना पे रजिस्टर्ड है हमारे नामों से हमारे क्लब ओन। उसके बावजूद हमारे साथ ऐसी हीन भावना को प्रतीत किया गया है विधायक महोदय और उनकी समिति द्वारा। तो हम चाहते हैं कि ये विधायक कब तुरंत रोका जाए और खत्म किया जाए। नाम बता दो। मैं अधिवक्ता हूं और मेरा नाम सोहेल तनवीर है और क्रिकेट टीम केकेआर से मैं